हेलो दोस्तों, अभी हम शेयर मार्केट को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और आज ही हम अपना दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकती हैं। अभी दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो अपलोड करके, तो आप सीख सकती हैं। अदरवाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो डिलीट कर दूँगा, फिर इसका मैं प्राइज़ रखूँगा 10,000। नहीं रखने वाला हूँ, फ्री में ये डले रहेंगे, ठीक है? मैं मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम अपने पैसे को कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कितने तरीके से हम अपने पैसे को लगा सकते हैं बदले में हमें रिटर्न मिले। तो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हम कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, और लोगों के माइंड में ये भी है कि शेयर मार्केट तो रिस्की है, शेयर मार्केट में काम करना ही नहीं है। लेकिन आजकल के युवा शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ये बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का कोई एक दो तरीका नहीं है, शेयर मार्केट में ढेर सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना पैसा लगा सकते हैं, बदले में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ज़्यादातर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, उसको अपने पास लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो आपका शेयर भी बढ़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट ना करते हुए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके से ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आप एक मिनट की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 5 मिनट की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 15 मिनट में भी आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस कर सकते हैं, ठीक है? आप एक दिन में भी कर सकते हैं, 1 वीक या फिर 2 वीक में भी आप इस तरीके से क्या है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग जब आप करेंगे ना, तो या तो आप किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडेक्स क्या होता है? तो जैसे कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में NSE और BSE, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी के टाइम पर जो पॉपुलर है या फिर ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करते हैं तो वो इन स्टॉक्स के अंदर ही करते हैं, सॉरी इन एक्सचेंज के अंदर ही करते हैं। तो देखो ये इंडेक्स का मतलब होता है दोस्तों सूची, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी 50 है ना, तो ये सूची है NSE की, और वहीं पर अगर देखा जाए ये सेंसेक्स, तो ये BSE की सूची है। अब इसमें ये जो 30 लिखा हुआ है, इसमें 20 लिखा है, इसमें 12 लिखा है, तो ये मैंने लिखा है, लेकिन इसमें जो 50 लिखा है ना वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये सूची का ही नाम है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का मतलब ये है कि निफ्टी, देखो इसमें निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां आती हैं, ठीक है? निफ्टी दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, निफ्टी सिर्फ इसका इंडेक्स का नाम दे दिया है, ठीक है? तो निफ्टी के अंदर टोटल 50 कंपनी आती हैं जो NSE के अंदर लिस्ट हैं, और इसमें वो टॉप कंपनियां आती हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आ गई, ठीक है, वो हमेशा रही, परमानेंट नहीं होती है। अच्छा परफॉर्मेंस है तो इसके अंदर रहेगी, अदरवाइज उसको निकाल दिया जाएगा। तो जब अच्छी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मतलब कि उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तब निफ्टी का प्राइस भी बढ़ेगा, और जब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो हमें मोटा मोटा पता चलेगा कि अभी जो शेयर मार्केट है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? यानी कि जब ये 50 कंपनियों का ऊपर जा रहा है तो बाकी की कंपनी भी ऊपर जा रही होंगी, या फिर ये निफ्टी बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि मार्केट में अभी उछाल आ रहा है, जैसा कि अभी चल भी रहा था परसों तक, लेकिन अब डाउन जाने लगा है, ठीक है? तो कंपनियों के शेयर भी गिरने लगे हैं, साथ ही ये भी गिरने लगा है। तो ये जो निफ्टी 50 है ना, तो ये कंपनियों से मिलकर बना है। अब इस तरीके से ये यहाँ पर 30 कंपनियाँ रखी गई हैं BSE की, तो इसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, ठीक है, कि सेंसेक्स बढ़ गया, तो सेंसेक्स बढ़ गया इसका मतलब ये है कि BSE के अंदर जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं उनका प्राइस बढ़ गया, ठीक है? अगर सेंसेक्स घट गया तो इसके अंदर जो कंपनियाँ हैं टॉप 30 कंपनियाँ, तो काफ़ी सारी लिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप 30 को रखा जाता है, यहाँ पर 50 को रखा जाता है। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बैंक को रखा जाता है, कितने बैंक, 12 बैंक, बैंक भी सारी काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 12 बैंक रहते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और इसके बाद ये फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी का मतलब ये है कि फाइनेंस निफ्टी, तो इसके अंदर हमारे बैंक भी हो सकती हैं, कंपनियाँ भी हो सकती हैं, जो NBFC होती हैं वो भी हो सकती हैं, मतलब जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं वो हमारे फिन निफ्टी के अंदर आती हैं, और इसमें लगभग 20 कंपनियाँ, ठीक है, या फिर बैंक या फिर जो भी रहें तो 20 रहती हैं। तो फिन निफ्टी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि जो फाइनेंस सेक्टर है वो बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी नहीं बढ़ा और बैंक निफ्टी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कि बैंक अभी उछाल पे चल रहे हैं, या फिर हमारे बैंक बढ़ रहे हैं और ये फिन निफ्टी भी बढ़ रहा है और बाकी की ये दोनों चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। वैसे तो इसमें भी बैंक और हमारी जो कंपनियाँ हैं, ठीक है, फाइनेंस की, तो इसमें भी आती हैं,
लेकिन अलग से उनकी और सूची बना दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन सूचियों में भी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक स्टॉक में करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है, कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमोडिटी के लिए एक अलग एक्सचेंज है जिसका नाम है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो MCX के अंदर ट्रेडिंग होती है इसकी। तो इसमें आता है लाइक आप लोहा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, या फिर आप कॉपर में कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, प्लेटिनियम, जो आपकी प्राकृतिक गैस होती हैं, ठीक है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑयल या फिर कोयला में कर सकते हैं, यूरेनियम में कर सकते हैं, जैसे कि आप शक्कर में कर सकते हैं, दाल में कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो फार्मर प्रोड्यूस करता है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक करेंसी भी ऑप्शन है आपके पास कि आप विभिन्न देश की करेंसी में अपना पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि डॉलर बढ़ेगा आप अपना पैसा लगा दीजिए, जब डॉलर बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इस तरीके से दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड में अभी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, कहने का मतलब ये कि आपका पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, वो पहुंच गया एक्सपर्ट के पास। तो जो फाइनेंस एक्सपर्ट है फिर वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उस पैसे को फाइनेंस एक्सपर्ट की एक टीम होती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में डाइवर्सीफाई करके बहुत सेक्टर में, मतलब कि अलग अलग सेक्टर में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जिनको शेयर मार्केट में ऐसा लग रहा है कि रिस्क है, उनको शेयर मार्केट को समझने को या फिर जानने को या फिर उसको टाइम टू टाइम देखने के लिए टाइम नहीं है, तो वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड तो सिलेक्ट करना आना चाहिए, यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड में हमें अच्छे रिटर्न मिल सकती है। अब म्यूचुअल फंड दोस्तों काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये कि आपने जो भी पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगाया तो वो आपका पैसा कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब कि उस पैसे से इक्विटी ही खरीदी जाएगी। इसके बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, तो डेब्ट का मतलब है दोस्तों कर्ज, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस या फिर जो संस्थान हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कर्ज लेती हैं, ठीक है, तो कर्ज लेने के पास आपका पैसा जाता है, फिर वो ब्याज देती हैं, तो आपको यहाँ पर रिटर्न ब्याज की तरह मिलते हैं, तो ये डेब्ट म्यूचुअल फंड है। इसके बाद बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब ये कि आपके पैसे को बैलेंस करके सारे सेक्टरों में इन्वेस्ट किया जाता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, तो ये गवर्नमेंट ने अलग स्कीम चलाई हुई है कि अगर यहाँ पर व्यक्ति अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनसे रिटर्न के बदले टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड का मतलब आप ये मत समझना कि हमारा पैसा इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा, निफ्टी फिर निफ्टी, नहीं, इन्हीं की तरह या फिर इस यहाँ पर जैसे कंपनियाँ ली जाती हैं, जिस अनुपात में ली जाती हैं, उसी की तरह यहाँ पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उनकी नकल करी जाती है और उनकी तरह एक अलग से इंडेक्स बनाया जाता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, मोटा मोटा ऐसा समझिए। इसके बाद ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो अलग अलग एक्सचेंज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हेज म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए है जिनके पास करोड़ों में पैसा है, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में कभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तब हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, इसके बाद हम बताएंगे लाइव हम स्टॉक को खरीदेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो स्टॉक अगर हमको कोई भी सिलेक्ट करना है तो हमें तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं ये जानना पड़ेगा। और जब हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी ब्रोकर हमें बताता है कि भाई आप किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है। कैप का मतलब टोपी नहीं है, कैप का मतलब है कैपिटल, ठीक है, या फिर कैपिटलाइजेशन। तो जिस कंपनी की कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है, उसको वहाँ पर रखा जाएगा।
तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी की कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या फिर उससे अधिक है, वो लार्ज कैप में आएगी। जिस कंपनी की कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ के बीच में है, वो मिड कैप में आएगी। और जिसकी वैल्यू, जिसका कैपिटल, ठीक है, 5,000 करोड़ या फिर उससे कम है, वो स्मॉल कैप में आएगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अपना किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि रिटर्न हमें कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर लो है, यहाँ पर देखा जाए तो हाई है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक्स्ट्रा हाई है। अब हम रिस्क देखते हैं, तो रिस्क यहाँ पर लो है, तो अब आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे क्योंकि लो रिस्क है लेकिन रिटर्न भी कम है, ठीक है, तो घाटा ना हो, प्रॉफिट कम हो चलेगा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, चलो हम रिस्क लेके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये तो ये समझ लो कि ऐसी कंपनियाँ सू हो सकती है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई रिटर्न है और यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई रिस्क भी है, यानी कि इस कंपनी का कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी अभी बहुत छोटी है, अगर इसकी कंपटीशन में कोई बड़ी कंपनी आ गई ना, तो इस कंपनी को फेल भी कर सकती है। तो जब इस कंपनी को लॉस होगा तो इसमें आपका भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको भी लॉस होगा। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रोथ के चांस किस कंपनी के ज़्यादा हैं, ये लार्ज कैप है भाई, इसका तो ग्रोथ हो चुका है क्योंकि ये कंपनी ग्रो हो के ही तो लार्ज बनी है, तो अब ये ग्रोथ होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मानिए, अभी कोई बच्चे ने जन्म लिया है, 3 साल का हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम हो गया जन्म लिया, अभी नहीं लिया, तो मान लो कि 3 साल का है। अब 3 साल का बच्चा कितने फुट का होता है, ठीक है, मान लो कि 1.5 फिट का होगा या फिर 2 फिट का होगा, लेकिन एक आदमी 5 से लेकर 6 फिट का होता है, यानी कि तो छोटे बच्चे के हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कोई व्यक्ति है मान लो, या फिर कोई लड़का है 17 साल का या फिर 18 साल का है, और मान लो कि उसकी हाइट हो चुकी है 4.5 फिट, अब उसको कितना बढ़ना है, 0.5 फिट और बढ़ना है या फिर 1 फिट बढ़ना है, 5.5 का होगा, 6 का होगा, तो कहने का मतलब ये कि छोटे के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ के चांस कम है, यहाँ पर ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं, और ये तो अभी छोटी ही है, ठीक है, तो इसके तो ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छोटी है तो इसके लिए रिस्क भी ज़्यादा है। अब देखो कंपनी कौन सी नष्ट हो सकती है, ये पॉइंट भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है, कंपनी के नष्ट होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि कंपनी वही बड़ी हो गई, ठीक है, अब ये कंपनी फेल क्यों होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और मान लो कि फेल हो भी गई ना, तो कंपनी एक होती है ना, जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो अपने काफ़ी सारे ब्रांड रखती है, अगर कोई उसका एक ब्रांड नहीं चलाना तो बाकी के ब्रांड तो चलेंगे। जैसे कि आप टाटा को देख लीजिए, टाटा लार्ज कैप के अंदर आती है, टाटा की कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अगर मान लो कि उसकी एक कार बिकना बंद भी हो जाती है, जो टाटा नैनो आई थी वो बंद हो गई, ठीक है, तो टाटा का कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा। रिलायंस है, उसके कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या है, लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं तो उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं और इनके नष्ट होने की संभावना होती नहीं है, या फिर इनकी बंद होने की संभावना होती नहीं है। यहाँ पर बंद होने की संभावना है क्योंकि अभी ये कंपनी अच्छा खासा कर रही है, लेकिन बंद होने की संभावना कम है, ठीक है, और यहाँ पर बंद होने की संभावना या फिर नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है, लोग यहाँ पर पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आजकल के यूथ इसमें अपना करियर देखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि अपने पैसे को डाइवर्सीफाई करके, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी क्या करते हैं दोस्तों, डाइवर्सीफाई करते हैं, इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हाई रिटर्न है, रिस्क है, ठीक है, रिस्क को हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 5,000 रुपये को यहाँ इन्वेस्ट करो, ताकि यहाँ पर अगर आपको रिटर्न कम मिल रहा है ना, तो रिस्क भी तो कम है, 5,000 रुपये आपका इधर ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा 3,000 रुपये आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर थोड़ा सा कम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है तो आप यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करो, तो 2,000 रुपये का या तो आपका 4,000 हो जाएगा या फिर 2,000 में से आपका 1,000 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्सीफाई कर सकते हैं, किधर गया डाइवर्सीफाई, ए रहा, ठीक है, तो डाइवर्सीफाई करके इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। जब हम किसी भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने रहेंगे, ठीक है, वो 3 स्टेप कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि व्हाट टू बाई, मतलब कि हम क्या ख़रीदना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि कंपनी कोई निकल के आई, फॉर एग्जांपल आप टाटा को मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप रिलायंस को ही मान लीजिए, मान लीजिए कि हमने कंपनी सिलेक्ट करी कि इसमें हमें
इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और वैन टू बाई, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो टाटा का प्राइस है, ठीक है, वो ऐसे 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 चला अब यहाँ पर है, तो मान लीजिए कि आपने देखा कि यार ये कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, और जब कंपनी ग्रोथ कर रही है ना तो आप बाकी के एनालिसिस करोगे ना तो वो अच्छे ही निकल के आएंगे। तो मान लो कि यहाँ पर कंपनी है तो इसके तो अच्छी एनालिसिस निकल के आएंगे, लेकिन समझना आपको है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर शेयर था उस टाइम पर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, अब शेयर यहाँ पर आ गया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है, मतलब कि इस कंपनी के शेयर से वो निकल सकता है। जब मान लो कि ऐसे ही काफ़ी सारे लोग निकलेंगे ना तो यहाँ तक शेयर गिरेगा, और जब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पर जब शेयर गिरेगा ना तो गिरते मार्केट से काफ़ी सारे लोग बाहर निकलेंगे, तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी स्टॉक है जब वो हाई पर है उस टाइम पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ठीक है। वैसे तो स्टॉक सिलेक्शन के और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन ये भी एक है कि आपको ऊपर नहीं ख़रीदना चाहिए, हाई पर नहीं ख़रीदना चाहिए, हाई से नीचे या फिर नीचे के बाद फिर ये यहाँ से बाउंस बैक हो रहा हो, मतलब कि यहाँ से ऊपर जा रहा हो, उस टाइम पर आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वैन टू बाई, मतलब कि हमें कब ख़रीदना चाहिए। और इसके बाद अगर आप किसी भी स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ही ख़रीदा था, ठीक है, आपने यहाँ पर नहीं ख़रीदना है ये तो कन्फर्म है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ख़रीदा था या फिर आप यहाँ पर ख़रीदने वाले हैं और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखना है, काफ़ी सारे लोग हैं थोड़ा सा प्रॉफिट देख के फिर उनको ऐसा लगता है कि निकलना चाहिए, अब यहाँ से गिर सकता है। भाई ये तो देखो कि मार्केट पहले यहाँ पर गया है तो अभी की बार मार्केट यहाँ पर जाने की इसकी फिर से संभावना है, ठीक है। मतलब मार्केट एक बार जहाँ तक हो आया है वहाँ तक तो मार्केट जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ तक है ना तो इसकी यहाँ तक जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझने को मिलता है, ठीक है। तो फिर आपको दोस्तों वेट करना रहता है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप उसको डेली डेली देखो कि आज इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो, आज इसमें इतने रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना रहता है सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टाटा या फिर रिलायंस, तो दोस्तों ये तो मैंने ऐसे ही तुक्का दे दिया था, लेकिन एक कंपनी को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब कि वाट टू बाई ये हम कंपनी को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो कंपनी, आपको पता है कि जो कंपनी होती है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट भी बेच रही होती है, और प्रोडक्ट बेच रही होती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक उसको ख़रीद भी रही होती है, और पब्लिक के अंदर हम आते हैं, हमारी फैमिली भी आती है। तो सारे प्रोडक्ट अपने आसपास देखो ना कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, ठीक है, मोबाइल की काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि आइडिया कंपनी है, रिलायंस है, एयरटेल है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कंपनी को निकालेंगे ना कि हम किसको यूज करते हैं, या फिर हमारी घर में, या फिर हमारी फैमिली, या फिर हमारे मोहल्ले में, या फिर देश में किस कंपनी के ज़्यादा कस्टमर हैं, ठीक है, या फिर किसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं, लोग उनसे सहमत भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी सर्विस अच्छी दे रही है तो उसके ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे करके यहाँ से एक कंपनी को निकाल लोगे। अब इसके बाद एक कार है हमारे घर पर, ठीक है, तो कार में टायर, अब देखो टायर बनाने वाली भी काफ़ी सारी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हमारी जो कार है तो उसमें MRF का टायर है, ठीक है, या फिर C8 का टायर है। हमारे घर पर बाइक है ना तो उनमें C8 के टायर है, ठीक है, तो C8 के टायर हमने लिए। अब हम क्या है, फ्यूल भी यूज करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। हमारे घर में 3 बाइक हैं, एक गाड़ी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्यूल कहाँ से डलवाते हैं, या तो HP के पंप से डलवाते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है BPCL, तो उस पर क्या हमें रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, तो ज़्यादातर हम यहाँ से डलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए एक कंपनी निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनिक में हम TV यूज करते हैं MI की, ठीक है, फ्रिज यूज करते हैं गोदरेज का, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं गोदरेज का, AC है हमारी वोल्टास की। वोल्टास AC के बारे में तो यार मतलब कि लोग इसका इतना प्रचार कर रहे हैं, जब मैंने AC को लेना चाहा तो मैंने काफ़ी सारी जगह पर पूछा जिन लोगों के घर पे पहले से AC थी, तो वो अपने घर में भले AC यूज कर रहे हैं और वो मुझसे बोल, खैर यहाँ पर मैंने ब्रांड का नाम ले दिया, लेकिन वो मुझसे बोल रहे हैं कि आप तो वोल्टास की लेना। तो मतलब कि वोल्टास का मैंने 4-5 लोगों को कॉल किया, सब ने वोल्टास सजेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टास में इन्वेस्ट करने के चांसेस हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आपको एडवाइस नहीं है, ठीक है। बल्ब हैं, बल्ब मेरी मेरे घर में कौन से लगे हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट कौन सी, स्पीकर कौन सा, इन्वर्टर कौन सा, बैटरी कौन सी है, ऐसे करके यहाँ पर भी 2-4 कंपनी निकल के आएंगी। तो ये सारी कंपनी की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। टूथपेस्ट मैं यूज करता हूँ, कोलगेट शैम्पू मैं यूज करता हूँ, बाट का शैम्पू, तो कोई सा भी
यूज कर लेता हूँ कभी कभी। इसके बाद फूड है, ठीक है, तो मैं 2020 खाता हूँ और पार्ले जी खाता हूँ, ठीक है। कुछ ब्रिटानिया के प्रोडक्ट हैं तो वो भी हमारे घर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फूड में मैं बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें, पिज्ज़ा वगैरह खाता नहीं हूँ। तो अगर आप कोई दूसरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर डोमिनोज को भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं फास्ट फूड से ज़्यादा तरह दूर रहता हूँ। अब इसके बाद आता है बैंक, मतलब कि मेरा किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, या फिर अभी मुझे कौन सा बैंक अच्छा लग रहा है, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है क्या मैं उससे सहमत हूँ। तो मेरा बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपना बैंक अकाउंट HDFC में और होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि HDFC की थोड़ी सर्विस वगैरह बढ़िया है और उसमें ऑफ़र वगैरह भी सही आते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें तो यहाँ पर ही निकल के आएंगे। इंश्योरेंस LIC, हमारे घर में काफ़ी सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ब्रोकर, जैसे कि हम अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो Angel One है, ठीक है, तो Angel One शेयर मार्केट में भी लिस्ट है, या फिर और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जीरोधा वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल के आएंगे, तो ऐसे करके आप उन कंपनियों को निकाल सकते हैं जो कंपनी कहीं ना कहीं आप यूज करती हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रोडक्ट यूज करती हो, कुछ कंपनी आप एनालिसिस के बेस पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो कंपनियों को यूज करता हूँ और कहीं ना कहीं मैंने जो कंपनी सिलेक्ट की तो वो सफिशिएंट है, मान लो कि मुझे तो डाइवर्सिफाई करना है, वैसे तो मुझे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है लेकिन मुझे डाइवर्सिफाई करना है तो मैं 5 में कर दूंगा ताकि रिस्क कम हो। तो यहाँ पर कंपनी तो मैंने 10 से भी ज्यादा सिलेक्ट कर दी। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपने ये कंपनियां सिलेक्ट करके निकाली, ठीक है, अब आप इन कंपनियों को ये देखेंगे ये शेयर मार्केट में लिस्ट है या फिर नहीं है। तो लिस्ट है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा मान लीजिए कि ये आपका गूगल का सर्च बार है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एशियन पेंटी सर्च करता हूँ कि अल्ट्राटेक को मैं देखता हूँ क्योंकि अल्ट्राटेक शेयर मार्केट में लिस्ट है कि नहीं, मतलब कि इसका मैं शेयर खरीद सकता हूँ या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा अल्ट्राटेक शेयर प्राइस। तो कहने का मतलब है कि जब मैं अगर गूगल पर ऐसे सर्च करूंगा ना तो हमारे पास इस कंपनी का शेयर प्राइस आ जाएगा, साथ ही ग्राफ भी आ जाएगा। तो अगर ऐसे ग्राफ और शेयर प्राइस आता है तो समझ लीजिए कि कंपनी मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंपनियों को देख लेंगे कि शेयर मार्केट में लिस्ट है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों एनालिसिस शुरू करना है। तो एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना है, तो देखिए आपको देखना है सबसे पहले ROE, या फिर मतलब ये चीज आपको देखनी है पहले दो या फिर बाद में देखो ROE। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसमें पहले इन्वेस्ट किया था उनको कितना रिटर्न मिला, ठीक है। तो ईयरली ये निकल के आएगा, अगर 15% मिल रहा है तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप रिटर्न के लिए ही इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, तो कम से कम 15% रिटर्न तो मिलना चाहिए अगर आप रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेप्ट टू इक्विटी, मतलब की जो कंपनी है इक्विटी के बदले उस पर कितना कर्ज है, ठीक है, तो ये आपका 1 से कम होना चाहिए। और ये आपको कहाँ पर देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। PE रेशियो, मतलब कि प्राइस टू अर्न रेशियो, ये आपका 8 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद कंपनी सेल ग्रोथ, मतलब ये कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो ये आपका 8% से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ईयरली। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब ये कंपनी के प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं, मान लो ये कंपनी के 10% प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं लेकिन कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका 8% से अधिक होना चाहिए। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग्स, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये अराउंड 50% प्रोमोटर के पास होनी चाहिए, मतलब कि मालिक है उसके पास कितने उस कंपनी के शेयर है, उसकी खुद की कंपनी में कितनी उसने होल्डिंग करी हुई है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है, उसको सब कुछ पता है कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है और कंपनी ग्रोथ करने वाली है या फिर हमारी कंपनी लॉस करने वाली है। तो मान लो कि जब कंपनी लॉस में जाने वाली है तो मालिक क्या करेगा, मालिक भी अपनी कंपनी के शेयर बेचेगा कि अभी तो भाई मैं घाटे में जाने वाला हूँ, तो यहाँ से हम अपना बेच देते हैं, बाकी जब हमारी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी जब ग्रोथ कर रही होती है ना तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर है तो वो भी उसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा लेता है, अगर प्रमोटर ही खुद डर रहा है अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने से तो उसमें बाकी के लोग भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रीड एनुअल रिपोर्ट, और दोस्तों ये एक चैलेंजिंग काम है, मतलब कि ये जो रिपोर्ट है ना तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिखा है और आप आसानी से पढ़ लो, ठीक है, तो अगर आपको हिंदी आती है ठीक है तो ये इंग्लिश में मिलेगी, फिर आपको हिंदी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी,
और फिर बात ये कि आपको तो ये एक तरफ से पूरी की पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप दो चार रिपोर्ट पढ़ लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ दी हुई है। तो जो चीज़ आपके मतलब की है तो आप उसको क्या है तुरंत ही ढूंढ लोगे। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना तो उनको पता रहता है कि एनुअल रिपोर्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है, किस पैराग्राफ के अंदर लिखी है, किस हेडलाइन देके लिखी है, आप कैसे लिखी है, तो उनको पता रहता है। तो वो एनुअल रिपोर्ट को 10 से 15 मिनट में भी पढ़ लेती हैं। लेकिन अगर कोई बिगनर एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने जाएगा तो उसका काफ़ी सारा टाइम खराब होगा, क्योंकि उसको तो 200-250 पेज पूरे पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ है। इसके लिए दोस्तों आप एक फिल्टर का यूज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट काफ़ी सारे लोग पढ़ेंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक स्पिनर नाम से फिल्टर है, तो अभी ये मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ स्पिनर सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि स्पिनर .in है या फिर .com है, तो ये यहाँ पर स्पिनर की वेबसाइट आ गई, इसमें .in है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी कंपनी सिलेक्ट करी हुई है तो उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स लिख देता हूँ, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली टाटा मोटर्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ROE। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, PE रेशियो मैंने बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दोस्तों चेक करना रहता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो पीछे बताया था कि वेंट टू बाई, यानी कि अभी क्या हाईएस्ट पे चल रहा है और यहाँ से गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये हाईएस्ट पे गया था ना, फिर इसके बाद ये नीचे गया है ना, फिर नीचे से फिर उड़ा है, तो वेंट टू बाई के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारे एनालिसिस करने रहते हैं, तो वो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, और वीडियो लॉन्ग काफ़ी सारे लोग देखते नहीं है, इसलिए वीडियो को भी लॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ है। तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं स्क्रीनर पर। अब एनुअल रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो एनुअल रिपोर्ट या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर भी जाके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी रहता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप ये जो चार्ट है, ठीक है, तो इसको पढ़ना सीख जाते हैं। और सॉरी, हाँ ये रहा आपका चार्ट। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ना सीख जाते हैं और इसमें इंडिकेटर वगैरह भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 200 DA में और भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है, आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, ऊपर आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का PE रेशियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर ROE देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप यहाँ पर डेप टू इक्विटी रेशियो देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए ऐसी आपने क्या है कॉलम बना लिए। या फिर इसके बाद यहाँ पर आप कंपनी लिखेंगे, ठीक है, टाटा लिख दिया आपने, रिलायंस लिख दिया आपने, ठीक है, आपने हीरो लिख दिया, आपने यहाँ पर कौन सा लिख दिया, वोल्टास लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आप कंपनी लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर राइट लगाते हुए जाएंगे कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है, मतलब कि PE रेशियो के हिसाब से मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ROE सही निकल के आ रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी सही है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज़ भी सही है, वो चीज़ भी सही है, सारी चीज़ इसमें सही है। अब इसके बाद मान लो कि हम किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ये चीज़ फेल हो रही है कंपनी सिलेक्ट करने में, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हीरो कंपनी को सिलेक्ट करने गए, ये चीज़ फेल है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ फेल है, और ये चीज़ यहाँ पर सही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर और भी कंपनी को देखने के लिए गए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर और भी कंपनी को सिलेक्ट करने गए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इस तरीके से हमें बेस्ट से बेस्ट कंपनी फाइंड करनी है जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।